में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड के समय अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई है। साथ ही केजरीवाल रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से भी मुलाकात कर पाएंगे। तो 6 दिन की ईडी की रिमांड मिली है। सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या जेल से ही सत्ता चलाएंगे अरविंद केजरीवाल या फिर उनको क्या राहत मिलेगी? इसके लिए देखिए, उनको आधे घंटे का समय मिला है वकीलों से बातचीत करने के लिए। केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। और वो जब आधे घंटे उनको समय दिया गया है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो 1 घंटे, आधे घंटे में वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद आधा घंटा वो वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, 10 दिन की मांग रहे थे पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान है जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। गिरफ्तारी और कोर्ट से रिमांड पर भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के मुद्दे पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकील ने केजरीवाल को घोटाले का किंग पिन बताया, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने एक राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की मिसाल करार दिया। कोर्ट में हुई इस बहस से पहले दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी अफसरों का काफिला अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकला। ईडी की गाड़ियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दौड़ती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ईडी दफ्तर और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। कोर्ट पहुंचने के बाद ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुंच गए। इस दौरान कोर्ट के गलियारे से गुजरते हुए केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 ईडी अधिकारी उन्हें कोर्ट रूम की तरफ ले जाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोर्ट में दाखिल होते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते सुनाई दिए कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर देश के लिए काम करते रहें। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हुई। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की रिमांड की मांग को खारिज करने की अपील की, जबकि ईडी के वकीलों ने शराब घोटाले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बेहद जरूरी बताया। मतलब ये कि ईडी के वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा दी। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया। ईडी के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पहले ही मिटा दिए गए थे। घोटाले से जुड़े तथ्य छिपाने के लिए कई सारे मोबाइल फोन तोड़े गए थे। हालांकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कोर्ट में ईडी ने दलील रखी कि रिश्वत के बदले दिल्ली में आबकारी नीति में मनमाने बदलाव किए गए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 2 बार कैश ट्रांसफर भी किया गया, जबकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले से अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तब ईडी बताएगी कि अब तक की जांच में क्या प्रगति हुई और आगे क्या करना है। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जाएगी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। पूछताछ की फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। सीआरपीसी की सेक्शन 41D के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 से 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है। ईडी रिमांड के समय अरविंद केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे तक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत मिली है। केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टरों की सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया करवाए। ऐसा नहीं करवा पाने की हालत में उनको घर का खाना खाने की इजाजत होगी। उधर केजरीवाल से जब दिल्ली सरकार चलाने के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। आरोप है
के शराब घोटाले की आड़ में करीब 600 करोड़ की हेराफेरी हुई और ईडी के हवाले से यह दावा किया गया कि यह पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही रची। और ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली की शराब नीति में बदलाव करके करोड़ों के घोटाले की नींव रखी। इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे अहम आदमी। मतलब ईडी ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरिए करोड़ों की रकम का गबन हुआ। ईडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी बराबरी के हिस्सेदार थे। हालांकि ईडी के मुताबिक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया बल्कि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर को काम पर लगाया गया था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर न सिर्फ नीतियों में तोड़ मरोड़ का खाका तैयार किया बल्कि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था। और ईडी के मुताबिक इसी विजय नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों तक 330 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंची। दावे के मुताबिक इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। और ईडी की जांच में यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीति के जरिए करोड़ों के घोटाले की पटकथा अरविंद केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी। ईडी के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस में हुई उस बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में यह तय हुआ था कि शराब नीति में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6% है उसे बढ़ाकर 12% मतलब दुगना कर दिया जाए। और ईडी के मुताबिक खुद ये बात मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताई थी और ये दावा किया गया था कि ये काला खेल अरविंद केजरीवाल की आंखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीति के जरिए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने इस शराब नीति की आड़ में शराब माफिया से करीब 100 करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीति के जरिए उन्हें फायदा पहुंचाने का वादा किया था। मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फॉर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक अहम किरदार निभाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महिंद्रू ने। सूत्रों के मुताबिक समीर महिंद्रू ने पूछताछ में बताया कि अरविंद केजरीवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईफोन के ऐप फेस टाइम के जरिए मिलवाया था। उनके मुताबिक इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमंद है और वही उनसे आगे की डील करेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल ने खुद ही विजय नायर को शराब घोटाले से जुड़ी डील करने की आजादी दी थी और ईडी के मुताबिक उसी के जरिए 100 करोड़ की रिश्वत के रास्ते खुले। ईडी के सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल ने नई शराब नीति में बदलाव करने के बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। उधर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे आपके नेता और विधायक शदीप पार्क जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों से इसमें शामिल होने की अपील की है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च को होली का कार्यक्रम स्थगित कर लोगों से मिलने का प्लान बनाया है। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी नेतृत्व के साथ बैठक की है, हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये